दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय होटल ऑयसिस पत्नी टॉप विक्रम शूज गांधीनगर राजतिलक रोड एंड होटल नूर महल करनाल। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजौरी से आ रही है, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। जो है इस वक्त की बड़ी खबर राजौरी के केरी से आ रही है, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, जो सीधे राजौरी के केरी से आ रही है, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। हालांकि आपको ये बता दिया जाए, चार आतंकियों के घुसपैठ की खबर थी, जिसमें से एक आतंकी मार गिराया है सेना ने, और सेना की तरफ से कोई हताहत हुआ है या नहीं हुआ है इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अपने संवाददाता अमित शर्मा, जो राजौरी से हमारे संवाददाता है, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं, बात करते हैं राजौरी से संवाददाता अमित से। अमित, क्या कुछ इस वक्त खबर है, क्या अपडेट है? कोशिश कर रहा था, उसमें से चार आतंकवादियों को जब रोकने की कोशिश की गई BSF तरह, तो वो वहां पे रुके नहीं और फिर उनके ऊपर BSF ने गोलियां दागी। उसमें एक आतंकवादी जो है वो मार गिराया गया। अच्छा। BSF ने चार आतंकवादियों को मजबूर होकर वापिस जो है पाकिस्तान सीमा की ओर वो चले गए हैं। अभी तक यही हमारे पास जो अभी तक बातचीत हुई है BSF की DIG से, उन्होंने बताया है कि अभी वहां पे सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्चिंग किया गया है, क्योंकि बाकी आतंकवादियों की तलाश जो है वहां पे की जा रही है। मारे गए आतंकवादी से भारी मात्रा में हथियार जो है बरामद हुए हैं, जिसमें AK-47 है, उसमें दिन है, और इसके अलावा कुछ वहां से मैगजीन। मतलब भारी तादाद में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ। लेकिन एक अहम चीज जानना चाहेंगे अमित, कि ये जो वारदात हुई है, घुसपैठ करने की कोशिश हुई है आतंकियों की ओर से, ये किस वक्त की खबर है, किस वक्त ये आतंकी घुसपैठ कर रहे थे और सेना को किस तरह से इत्तला मिली और किस वक्त ये जो आपसी मुठभेड़ है वो शुरू हो गई थी? लगातार यहाँ पे बर्फबारी जो है हो चुकी है। पुंछ की बात करें तो पुंछ में काफी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बर्फबारी के बाद जो है वहाँ से घुसपैठ करना काफी मुश्किल होता है। तो राजौरी मुठभेड़ एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बर्फबारी बड़ी यहाँ पे कम होती है, लेकिन ठंड का मौसम होता है। आज सुबह 3 बजे के आसपास ये आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जब BSF के जवानों ने उन्हें देखा घुसपैठ करते हुए, तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब वो रुके नहीं तो फिर BSF की तरफ से कोई खबर है किस संगठन के है या आतंकी कुछ? अभी तक किसी भी संगठन का नाम जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल वहाँ पे सारा परीक्षण चल रहा है और BSF के DIG जो है वो मौके पर वही पर है, उनसे भी बातचीत हुई है। तो कुछ देर के बाद DIG राजौरी जो है BSF के वो काफिल जो है वो करेंगे, उसके बाद ही ये पता लगेगा कि कौन से। चलिए, आप नजर बनाए रखिए खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। बहरहाल आपको ये बता दिया जाए कि चार आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। केहरी राजौरी का एक इलाका है, वहां से घुसपैठ करने की ये कोशिश की गई थी, जिसके बाद सेना को इसकी जानकारी मिली और आपसी मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है, जिसके पास से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। और जो आतंकी फरार बताए जा रहे हैं, उनको ढूंढने का ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुछ ही देर के बाद सेना के आला अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद और भी चीजें सामने आ जाएंगी। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय होटल ऑयसिस पत्नी टॉप विक्रम शूज गांधीनगर राजतिलक रोड एंड होटल नूर महल करनाल।